शिवसेना ने आखिरकार अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो शिवसेना का वचननामा घोषणा पत्र जो खुल गया है, वादों का पिटारा यहां पर खोला गया है जनता के लिए, जिसमें 10 रुपए में भोजन की थाली, 1 रुपए में 200 स्वास्थ्य संबंधित टेस्ट और घरों की बिजली के दाम 30% कम किए जाएंगे। तो ये तमाम वादे जनता से किए गए हैं, महाराष्ट्र की जनता से किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ है और इसी बीच शिवसेना ने अपना आज सुबह घोषणा पत्र वचननामा जारी कर दिया है और इस वचननामे में तमाम वो वादे किए गए हैं जनता से जो सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 10 रुपए में भोजन की थाली देने का वादा यहां पर शिवसेना के जरिए किया गया है। प्रमुख उद्धव ठाकरे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने आज मिलकर शिवसेना का घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे वचननामा का नाम दिया गया है। और इसमें उन्होंने जहां की जनता से वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर गरीब लोगों को 10 रुपये में भोजन प्राप्त होगा, साथ में ही 1 रुपये में स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जो गांव के क्षेत्र हैं वहां पर बस की सुविधा छात्रों के लिए मुफ्त में दी जाएगी। यही नहीं, महिलाओं के लिए यानी छात्राओं के लिए जो है सैनिटरी पैड मुफ्त में दिए जाएंगे, किसानों के कर्ज जो है माफ़ किए जाएंगे। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका अपना वचननामा तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वचननामा होगा, दोनों जन मिलकर, दोनों पार्टियां मिलकर, चूँकि उनकी यहां पर महागठबंधन है, गठबंधन है, तो ऐसे में मिलजुल कर दोनों का वचननामा जो है उनकी पूर्ति की जाएगी, ताकि उन्होंने जो वादा किया है उसकी पूर्ति की जा सके और वो अपने वचन को निभा सके। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उनका भरोसा फिर जो है जनता का उनसे उठ जाएगा। और राम मंदिर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि चूंकि चुनाव का माहौल है और वचननामा में, घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये आचार संहिता के खिलाफ होगा और उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुनवाई जोर से चल रही है। ऐसे में एक बात साफ है कि शिवसेना जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए कर्ज को माफ करने के लिए और उनको सुविधाओं को देने के लिए काफ़ी वचन दिया है उन्होंने और वादा किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने यानी एनसीपी और कांग्रेस ने वादा कर दिया है किसानों का जो कर्ज है उसे माफ कर दिया जाएगा और कई वादे किए हैं। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा था शिवाजी पार्क की रैली में कि वो हर नागरिक के नाम पर ताजमहल बनाने की बात छोड़कर सब वादा कर चुके हैं, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा। मातोश्री से संजय प्रभाकर, R9 TV के लिए।